चलेगा राज्य विरोधी कौन है और राज्य हितैषी कौन है। आप लोग विधानसभा में सभी सामूहिक जो 200 MLA आवाज उठाए, तमाम उनके अभिभावक देखेंगे जब चुनाव में जाएंगे ना, और जो विरोध में आएगा उसको लट लेके वो बेरोजगार पीछे भागेगा। नमस्कार, आज हम हैं बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव के पास और बात करेंगे कि 20 राज्यों ने जो पहले से रोक लगा रखी थी, उसी प्रकार से अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी बाहरी जो लोग हैं उनको अपने स्थानीय सरकारी नौकरियों में वरीयता देने पर रोक लगा दी है। ऐसे 20 और राज्य हैं, अब मध्य प्रदेश ने भी ये पहल शुरू कर दी, लेकिन राजस्थान में लंबे समय से बेरोजगार महासंघ ये मांग कर रहा था, उसके बावजूद भी अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है, लेकिन राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। उपेन जी, अब तो मध्य प्रदेश ने भी रोक लगा दी, 3 साल से लगभग आप ये मांग कर रहे थे कि बाहरी बेरोजगारों पर स्थानीयों को तरजीह नहीं दी जाती और बाहरी वो मौका ले जाते हैं, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। करीब 20-21 राज्य हैं जो राजस्थान वालों को बाहर कर देते हैं, जो जितने बेरोजगार जाते हैं, जितनी वैकेंसियों में जाते हैं, वो 3 तरीके से बाहर करते हैं। पहला तरीका, स्थानीय निवासी का वो कैडर लागू कर देते हैं कि वह स्थानीय निवासी हो। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता व शैक्षणिक संस्थाओं से उनकी डिग्री हो। और तीसरा, वो भाषा, जैसे गोवा है तो कोंकणी हो गई, मिजोरम में मिजो भाषा हो गई, तो हमें वो भाषा आती नहीं है, राजस्थान में आप राजस्थानी भाषा को आप अलाउ कर नहीं रहे, तो ऐसे में 3 तरीके से राजस्थान के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है। कुल मिलाकर 100% वहीं के स्थानीय लोग लगते हैं। सबसे बड़ी घोषणा कल मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने की है कि वो स्थानीय लोगों को लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है प्रदेश के तमाम उन नेताओं की तरफ से, जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं, तो अब उनका उनका अब परीक्षा उन लोगों की है, चाहे किसी पार्टी के वो नेता हो। अब हमें पता चलेगा, तमाम बेरोजगारों को पता चलेगा कि ये राज्य हितैषी है या राज्य विरोधी है। अब देखते कौन कौन नेता हमारे साथ आते हैं, कौन कौन नेता ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले। अभी तक होता यह रहा है कि अधिकतर भर्तियां बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को मिलती थी। अभी कोरोना काल चल रहा है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने साल भर के लिए भर्तियों को रोक दिया गया, जबकि कोरोना काल में भी राजस्थान में भर्तियां चल रही है। ऐसे में वहां साल भर भर्तियां नहीं आएंगी, सबका रुख राजस्थान में होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जल्द से जल्द पैसा लिया जाए, बाहर राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए। इसके अलावा हमने जनवरी फरवरी 2018 से हम लगातार मुद्दे उठा रहे थे, करीब 20 से 21 राज्यों में ये मामले अपने लोगों को फायदा देने का काम बाकी मुख्यमंत्री सरकार कर रही है। जी, इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा, ये क्या कोई माध्यम ढूंढते हैं इसमें कि स्थानीय को वरीयता देने की कुछ प्राथमिकता तो तय करते होंगे कि ये ही प्राथमिकता होगी? देखो, अभी बिहार का साल भर पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार का निवासी होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है गुजरात है, कितनी बड़ी चालाकी की जाती है गुजरात में, हमारे प्रदेश के युवा आवेदन करते हैं कई भर्तियों में, जैसे वहाँ इंटरव्यू होते हैं तो कई भर्तियों में क्या है कि गुजराती में इंटरव्यू लेते हैं, गुजराती हमें आती नहीं है, तो वो बाहर हो जाते हैं, मतलब वहाँ की लोकल भाषा में वरीयता। जी। इसके अलावा हरियाणा में आप फॉर्म भरिए, वहाँ स्थानीय निवासियों को 10 नंबर का बोनस अंक दिया जाता है, तो हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल क्या है, पिछली सरकार में हमने ये मामला उठाया, वर्तमान सरकार में हमने मामला उठाया, लेकिन जो IAS जो लॉबी है वो बाहर की है, वो नहीं चाहते कि राजस्थान के बेरोजगारों को फायदा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को 11 अक्टूबर को अवगत करवाया था, आज फिर हम मीडिया के माध्यम से लगातार इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पे, जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहल की है। हालांकि अक्टूबर 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेक्षण के लिए आदेश निकाला था, लेकिन वो अमल में नहीं लाया गया। ये किस राज्यों की अगर बात करें, कौन कौन से राज्य हैं, कितनी भर्तियां हो चुकी है अब तक उनकी? देखो, अलग अलग राज्य है, मेरे सामने हरियाणा का है, हरियाणा में भी अपने लोगों को फायदा दिया जाता है। इसके अलावा ये है, ये हरियाणा का जो है, इसमें स्पष्ट है कि हरियाणा के किसी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है उसी में ही पास आउट होना चाहिए जो इसमें आवेदन कर रहा है। ये है आंध्र प्रदेश का है, उसमें कह दिया कि वहां के स्थानीय निवासी होना चाहिए। अच्छा, ये स्पष्ट इन्होंने लिख दिया कि स्पष्ट है हरियाणा, यहाँ का आंध्र प्रदेश में स्थानीय निवासी होना चाहिए। ये उड़ीसा है, उड़ीसा में ये कह दिया कि उड़िया भाषा बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, और ये सारी चीजों के लिए उड़िया जो उड़ीसा में बोला है, उड़िया में स्पेसिफाई किया हुआ है कि पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट, मतलब आपकी लोकल भाषा तीसरी भाषा का जो विकल्प मिलता है उसमें आपके पास उड़िया भाषा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ का पास आउट होना अनिवार्य है, तभी आपको प्राथमिकता मिलनी पड़ेगी।
राजस्थान में, लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या है कि ना तो यहाँ कोई राजस्थानी भाषा को अभी तक मान्यता मिली है, तो इसमें एक प्राथमिकता जोड़ी जाए। लेकिन ठीक, क्या मध्य प्रदेश में भी यही भाषा की प्राथमिकता जोड़ रहे हैं? मध्य प्रदेश में पहले यह था कि स्थानीय निवासी का दिया गया था, लेकिन अब जो अब उन्होंने जो शिवराज सिंह चौहान का बयान आया कि हम कानूनी नियम बना रहे हैं कि उन लोगों को लिया जाएगा, ये मराठी है, महाराष्ट्र में मराठी में भी जो निकला है उसमें भी स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि यहाँ डिप्लोमा जो भी होगा वो मराठी भाषा में होना चाहिए और मराठी विश्वविद्यालय से ही पास आउट होना चाहिए, ये मराठी ने भी निकाल रखा है। सेम उसी तरीके से कर्नाटक ने जो कन्नड़ भाषा का निकाल रखा है कि 10वीं क्लास जो होनी चाहिए वो कन्नड़ पास आउट होनी चाहिए आपको, तभी यहाँ पे आपको वरीयता मिल पाएगी। राजस्थान में अब सबसे बड़ी समस्या है कि ना तो यहाँ राजस्थानी भाषा को कोई मान्यता है और ना यहाँ पर और ना ऐसा कोई नियम है कि जैसे अभी भी। लेकिन उपेन्द्र जी एक चीज ये जानना चाहेंगे, ये जो बाहरी राज्य हैं ये राज्य केवल भर्तियों में ही करते हैं या वहाँ पढ़ने वाले स्कूल कॉलेजों में भी ये प्राथमिकता देते हैं कि बाहरी को प्रवेश नहीं देंगे? देखो अब उनको ऐसे ही करना चाहिए ना, कि शिवराज जी ने घोषणा की है तो वो अपने लोगों को पढ़ाए, यहाँ नहीं भेजे। लेकिन कुल मिलाकर युवाओं के नाम पर राजनीति न करें, हालांकि जो परिस्थितियाँ हैं जो मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया है, क्योंकि 20 राज्य ऑलरेडी पहले कर चुके थे, अब सबसे ज़्यादा नुकसान राजस्थान को हो रहा है क्योंकि हमारे लोग बाहर कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्थानीय भाषा इनको आती नहीं है। स्थानीय निवासी के कई कैडेट मैंने बताया, 3 तरह के कैडेट जाते नहीं है। यहाँ तो बाबा जी का भंडारा संभाल लिया, कोई भी आयो जिम के जाओ। कुल मिलाकर अब राजस्थान के युवा जाग चुके हैं, हम ये लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिल रहा हूँ दोबारा, मुझे विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पे, कोरोना काल में जिस प्रकार वो भर्तियों को लेकर संवेदनशील है, कई भर्तियों के नियुक्ति आदेश भी जारी किए, चाहे एलडीसी भर्ती 2018 हो, चाहे 2013 हो, चाहे सेकंड ग्रेड का मामला हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, तमाम भर्तियों के नियुक्ति आदेश जारी किए। इसलिए अब मुख्यमंत्री जी नई भर्तियों की घोषणा की, आज भी आदेश जारी हुए। ऐसा लगता है कि नई जो नई भर्तियां निकलेंगी, जैसे 31,000 की रीट आएगी, 3,000 पे फर्स्ट ग्रेड आएगी, 9,000 पे उपजा भाग की भर्ती आएगी, तो उसमें बाहरी राज्य वाले आएंगे, यानी कि वो भर्तियों के विज्ञापन जारी हो, एग्जाम हो, उससे पहले कम से कम ये नियम लागू किया जाए जिससे प्रदेश के बेरोजगारों को ज्यादा ज्यादा फायदा हो। अन्यथा आने वाले ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड में वहां का स्थानीय निवासी के वो कर रखा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वहां का स्थानीय निवासी कर रखा है, इसमें भी इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि आवेदन करने वाले वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिया या इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही प्राप्त की हो। मतलब आप उत्तराखंड से बाहर से हैं तो आपको प्राथमिकता नहीं मिलेगी, उसके लिए आवश्यकता है कि आप उत्तराखंड के ही किसी स्कूल कॉलेज से पास आउट हो। लेकिन राजस्थान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, राजस्थान में किसी भी राज्य का आदमी नौकरी ले सकता है। यही कारण है कि आए दिन आपको यहाँ भर्तियों में जो कोटा है वो देखने को मिलेगा कि बाहरी लोगों की भर्ती हो जाती है और स्थानीय लोग हमारे बेरोजगार रह जाते हैं। क्या आप 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस सरकार को तो 1.5 साल हुआ, पिछली सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया? पिछली सरकार में राजन राठौर, यूनुस खान और अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता हुई थी, लेकिन जो IAS गड़बड़ी कर रहे हैं वो बाहर के थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस मामले को जब मैंने 2018 जनवरी फरवरी में उठाया तो कई लोगों ने मजाक बनाया था कि बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन धीरे धीरे अब सबके सामने सच्चाई आ रही है, क्योंकि अब युवा जाग चुके हैं, युवा MLA कह रहे हैं कि भैया वोट हम देते हैं, आने वाले समय में वोट हम ही देंगे, आज हम बेरोजगार हैं, आने वाले समय में आप बेरोजगार हो जाओगे, अभी है समय, जाग जाओ। और जिस प्रकार मध्य प्रदेश कर रहा है, जिस प्रकार हरियाणा कर रहा है, जिस प्रकार असम कर रहा है, सिक्किम कर रहा है, गोवा कर रहा है, जो तमाम 20 राज्य हैं, उसी प्रकार राजस्थान में भी करिए ना, वोट हम देते हैं। अब ये तो कहीं ना कहीं इसका ज्यादा प्रभाव आने वाले चुनावों में पड़ा। आसाम में एक भर्ती निकली हुई है टाइपिस्ट की, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयज एक्सचेंज इन द स्टेट ऑफ आसाम। मतलब उसके आसाम के बेरोजगार कार्यालय के अंदर उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जब ही वो इसमें प्राथमिकता से उसको नौकरी मिल पाएगी। मतलब बाहरी राज्य के आदमी को नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह तमिलनाडु का देख लीजिए, तमिलनाडु में भी यही है कि तमिलनाडु से 10वीं पास आउट होना चाहिए और वहाँ की लोकल भाषा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे स्थानीय लैंग्वेज जो है उसको प्राथमिकता है। हमारी राजस्थानी भाषा को आज तक प्राथमिकता नहीं मिली, इसके कारण आज भी ये हम नियम जो है ये बनाने नहीं पा रहे हैं और इसी के कारण राजस्थान के युवाओं को नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये पंजाब में भी यही है कि क्लास
जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं पंजाबी भाषा, क्योंकि पहली प्राथमिकता से उनको फर्स्ट क्लास से पढ़ाई जाती है, यहाँ भी यही उन्होंने शर्त रखी है कि पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और वहाँ की स्कूल कॉलेज से पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा जो मिजोरम है उसमें मिजो भाषा चाहिए, गोवा में कोंकणी भाषा चाहिए, इसके अलावा नागालैंड में नागा जो भी वहाँ एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। तो कुल मिलाकर 20 ऐसे राज्य हैं जो राजस्थान वालों को 0% लिया जाता है। सवाल यह है कि आखिरकार राजस्थान के बेरोजगार कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हमें पूरा विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी पे, सरकार पर, विपक्ष का भी एक उनका कर्तव्य बनता है कि राजस्थान के युवाओं को, भविष्य को बचाया जाए, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। स्थिति यह है, सबसे बड़ी विसंगति मैं एक बार पुनः आपके सामने उजागर करना चाहूंगा, ये IAS अधिकारी जो बड़ी चालाकी कर रहे हैं, राजस्थान की भर्तियों का परीक्षा केंद्र भी उत्तर प्रदेश बिहार वहां देते हैं, वहां के लोग सेटिंग करके पूरे सेंटर को हाईजेक करके वहां के लोग लग जाते हैं। क्यों? राजस्थान में जब हम राजस्थान पुलिस की 16 लाख लोगों के एग्जाम करवा सकते हैं, तो क्या 1 लाख लोगों के एग्जाम नहीं हो सकती? जैन भर्तियों का सारा वहां देते हैं, एक जैन भर्ती बिजली विभाग का एग्जाम्पल है। इसके अलावा उसका सिलेबस, सबसे बड़ा मामला यह है कि राजस्थान की भर्तियों में राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज्यादा जोड़ा जाए। पूछा जाए कि जीण माता का मंदिर कहाँ है, राजस्थान का भर्ती बता सकता है सिक्कर में? बाहर वालों यूपी बिहार वाला थोड़ी बता सकता है वो, फिर तो, सेंट्रल लेवल का जीके पूछते होंगे जी। वो जैसे बैंकिंग ज्यादा दे दिया तो बैंकिंग तो उसको कोई भी तैयारी कर सकता है। तो कुल मिलाकर राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी ज्यादा जोड़ा जाए, या स्थानीय निवासी के आधार पर, या शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, या कुछ ना कुछ निकाल के, या अलग से जिस पर हरियाणा 10 नंबर बोनस दे रहे हैं स्थानीय, कुछ ना कुछ रास्ता निकालकर राजस्थान के बेरोजगारों के लिए निर्णय लेना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें पहल राज्य सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान के जो बेरोजगार हैं वो खासा परेशान हो रहे हैं इन्हीं कारणों से, क्योंकि बाहर उनको वरीयता नहीं मिलती और यहाँ जो वरीयता के प्रयास अगर सोचते हैं, लेकिन उससे पहले ही बाहर ही आकर उनकी जो सीटें हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं और जो मौका है वो बाहरियों को मिलता है। उसी कारण से राजस्थान में जो बेरोजगारों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि इनकी मुख्यमंत्री जी से लगातार मीटिंग हो रही है, लेकिन इसमें विपक्ष की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है कि वो चाहें तो इसको सहयोग करें इनका बेरोजगारों का, ताकि ये जो पहल है वो राजस्थान में भी शुरू हो सके। और प्रदीप जी एक कुछ मैं कहना चाह रहा था, अब 21 तारीख से विधानसभा है, मैं सभी MLA से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, अब पता चलेगा राज्य विरोधी कौन है और राज्य हितैषी कौन है। आप लोग विधानसभा में सभी सामूहिक जो 200 MLA आवाज उठाए कि राजस्थान में भी ये लागू होना चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश का है, जो खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, ट्वीट किया, वीडियो डाला और उनने घोषणा की, उसी प्रकार 200 MLA को घोषणा करनी है। अब पता चलेगा कि कितने राज्य विरोधी हैं, कितने राज्य हितैषी हैं, और प्रदेश के तमाम युवा देखेंगे, तमाम उनके अभिभावक देखेंगे जब चुनाव में जाएंगे ना, और जो विरोध में आएगा उसको लट लेके वो बेरोजगार पीछे भागेगा। जी बिल्कुल, हम भी कोशिश करेंगे कि विधायकों तक ये वीडियो आपका पहुंच सके और जो बेरोजगारों की आवाज़ है वो विधानसभा में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि और विधायक उठाएंगे। नमस्कार।